लेक्चर की हम लोग रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को लेक्चर की क्योंकि आप लोग सब मिल जाएगी। अच्छा तो सबसे पहले ये है कि हमारे जो मैंने आप लोगों के साथ फ्रीलांसिंग के फाइवर से करते हुए जो चीज़ें डिस्कस की है वो सारी शेयर यहाँ पे कर दी है। ये बेसिकली ये मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर दिए सारे प्रोसीजर को और वो यहाँ पे ठीक है। पहला स्टेप ये है कि अपना फाइवर पे पहले अकाउंट बनाएं। स्टेप टू के अंदर मैंने कहा है कि जी अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें, प्रोफाइल के अंदर जो जो चीजें हमारे होनी चाहिए वो सारी इन डिटेल हम लोग वहां पे मेंशन कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आप नेक्स्ट आगे जी स्टार्ट करें न्यू गिग, क्योंकि आप इनिशियली सिस्टम होंगे तो आपके पास कोई गिग वगैरह ठीक है, आप लोग पहले बिल्ड करेंगे, आप क्रिएट करेंगे ठीक है, तो उसको बिल्ड करें अपनी गिग्स को, उसके बारे में अपने थ्रू उसके प्राइसिंग सेट करें, उसके डिस्क्रिप्शन आस्क क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें करें, फिर अपने रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी डिस्कस कर देंगे आप उसमें डिटेल, और फिर उसको गिग की जो गैलरी है उसमें अपनी पब्लिश करवाने की तरफ जाएंगे। तो इरफान ने भी आपके साथ एक डिस्कस की थी चीज पॉइंट के अगर जिसमें आप पब्लिश करते हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन किया था क्या फ्री फाइवर का टेस्ट पास करना जरूरी है, अगर आप लोगों ने किसी स्किल के अंदर एक क्रिएट किया हुआ है अपने टेस्ट पास किया हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे पब्लिश कर लेंगे अपनी गिग इजीली, और लाजमी नहीं कि जिसने टेस्ट पास नहीं किया वो गिग अपनी पब्लिश नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी शॉर्टकट्स या कह रहे हैं कि कुछ ट्रिक्स हैं ठीक है, तो उन ट्रिक्स के जरिए वो भी चीजें अप्लाई हो जाती हैं, तो इस तरह की चीजें पॉसिबल है। तो अब हम लोग अपने क्लास की तरफ आगे, तो सबसे पहला जो स्टेप है अपना क्रिएट अकाउंट करना। क्रिएट अकाउंट के अंदर हमने देखा है कि जारी आप लोगों ने पहले हमने जैसे freelancers.com और अपवर्क के ऊपर देखा था कि वहां पे हमारे पास डिफरेंट फीचर मौजूद थे गूगल के साथ और फेसबुक के साथ अपने अकाउंट क्रिएट करने के और ईमेल के साथ क्रिएट करने के, तो मैं प्रेफर करता हूँ ईमेल के साथ क्रिएट करने को, आप लोग भी डिफरेंट वेज इस्तेमाल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ठीक है। तो बेस्ट मैं यही कहूंगा कि ईमेल के जरिए ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, और नेक्स्ट फिर मैंने इसके साथ आपके साथ स्क्रीनशॉट भी इसका एक शेयर कर दिया, इसमें बेसिकली ये है कि आप लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें उसके अंदर ठीक है, तो वो सारी आपको उसके यानी कि आप फाइवर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये विंडो अपीयर होगी और उसके जरिए आप लोग इसको रजिस्टर कर सकते हैं। स्टेप टू के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रोफाइल को आप जब सेट करेंगे, प्रोफाइल की कुछ टिप्स भी मैंने दी थी, नहीं आप एक ही ईमेल के ऊपर कर सकते हैं क्योंकि हर प्लेटफॉर्म डिफरेंट है ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप डिफरेंट, वो सर बात कर रहे थे कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं डिफरेंट प्रोफाइल, उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने अपने कजन्स के अपने भाई के अपने अम्मी अब्बू जो भी अवेलेबल है ठीक है, तो उन्होंने उनके नाम से डिफरेंट अकाउंट्स बना रखे हैं ताकि चार पांच कंप्यूटर उन्होंने मल्टीपल एक स्ट्रक्चर सेट किया हुआ है, उन्होंने आपके साथ एक अकाउंट की अपनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो मे भी अब वो कितना अर्न कर रहे हो कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, अगर तीन चार अकाउंट्स उनके चल रहे हो एक्टिव हो वर्किंग कर रहे हो तो वो कितना अर्न करते होंगे, उनके भाई भी वो कह रहे हैं कि इसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनके साथ जी सेम ईमेल से वर्क हो जाता है। किसी को कोई और क्वेश्चन? नेक्स्ट जो हमारे पास है जी प्रोफाइल सेट करेंगे हम अपनी पर, अब इस टाइम क्लास के अबाउट आप लोग क्वेश्चनिंग करें बाद में हम उसके बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे। अच्छा तो इसके अंदर ये है कि हम लोग अपनी प्रोफाइल को सेटअप करेंगे, प्रोफाइल के अंदर हमारे पास क्या चीजें आती हैं, सबसे पहली प्रोफाइल पिक्चर हमारी होनी जरूरी है इसलिए कि क्लाइंट का ट्रस्ट, मैंने इसके ऊपर भी काफी डिटेल में हमने पहले कम्युनिकेशन की थी, तो प्रोफाइल पिक्चर हमारे पास मेजर आ जाती है, कुछ मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की हुई है तो आप लोग उनको भी देखेंगे, तो ये बहुत ही हमारे लिए एक कह लेंगे प्रीशियस हो जाती है कि हम क्लाइंट का, क्योंकि जितना सेटिस्फेक्शन लेवल अप होगा उतने ज्यादा वो, क्योंकि प्रोफाइल हमारी क्या है हमारी रिज्यूमे के तौर पे ट्रीट होनी है। नेक्स्ट आ जाती है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं अपनी इंट्रोडक्शन करते हैं, हम उसे अट्रैक्टिव सेंटेंस में बताते हैं कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, अपनी एक्सपर्टीज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ मैं उसके साथ, तो यानी कि ये मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई क्लाइंट आएगा वो ओवरव्यू मेरे अबाउट लेना चाहेगा तो मेरी डिस्क्रिप्शन को स्टडी करेगा। देन थर्ड फील्ड मैंने बेसिकली लैंग्वेजेस लिखी हैं, तो लैंग्वेजेस में ये है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके अंदर आप अच्छा सही तरीके से बात कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह लेंगे मैं उर्दू में बहुत अच्छा हूँ ठीक है, मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ ठीक है, अगर इन केस ऑफ आपको चाइनीज या कोई और लैंग्वेज आती है जो जो लैंग्वेजेस जिसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो बोल सकते हो
ठीक है, तो उन लैंग्वेजेस के अंदर आप उसका लाजमी जिक्र करें, उससे ये एडवांटेज होता है कि किसी कंट्री का अगर पर्सन आता है और उसको देखता है कि आप इस लैंग्वेज में उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, तो वो आपके साथ लाजमी आप लोग आपको गिग पे वर्क कर सकते हैं। उर्दू के ऑप्शन में भी हो, ठीक है, बट आप लोग वहां पे मेंशन कर सकते हैं जी लैंग्वेज। तो ये बात हम क्लाइंट को तो नहीं बताएंगे ना, ठीक है हैदर अली, ये आपका क्वेश्चन वैलिड है। ये अब आजकल लेटेस्ट दौर में तो डिफरेंट ट्रांसलेटर एप्स गूगल ने हमें प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है, तो बेसिकली APIs हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ एप्स भी इसकी मौजूद हैं ट्रांसलेशन की, ठीक है, ये बात हम क्लाइंट को तो नहीं कहेंगे, हम तो अपनी एक्सपर्टीज में बात करेंगे। तो ये नहीं करना कि अब आपने सारी लैंग्वेजेस लिख देना, वो क्या कहेगा ये बंदा कहाँ कहाँ घूम, ठीक है, तो आपने कोशिश यही करना है कि आप कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस करें, लाइक इंग्लिश के ऊपर बहुत रखें, प्रेफरेंस रखें। उर्दू ऐड करने का तो फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि क्लाइंट सारा इंटरनेशनल है। खान साहब ने भी नीचे मैसेज कर दिया आपको कि उर्दू इसलिए भी हम लोग नहीं शेयर करते क्योंकि है ना पाकिस्तानी क्लाइंट बहुत रेयरली है, ठीक है, इंटरनेशनल क्लाइंट साहब आपका, तो आप लोग इंग्लिश के ऊपर अपनी प्रेफरेंस ज्यादा रखेंगे, इंग्लिश हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांटेज रहेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास सेटअप योर प्रोफाइल के अंदर नेक्स्ट है टेस्ट टेकन, हमने जो अपने टेस्ट दिए हुए किसी स्किल्स को, ठीक है, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और आप लोगों ने कब उसको क्या किया, अगर आपके टेस्ट स्कोर अच्छे हैं तो कोशिश करें आप शो करें, और अगर हाइड करें कब, जब आपका टेस्ट पुअर हुआ है, तो इसलिए ये टेस्ट भी आप लोगों की एक काफी एडवांटेजेबल रहते हैं कि आपकी स्किल में कितनी रेटिंग है, तो वो आप लोगों के वहाँ अपनी स्कोर्स अपने शो करें ना करें, तो उसके बारे में मैंने आपको टिप प्रोवाइड कर दी है। स्किल्स अपनी, अगर आपकी जो जो स्किल्स हैं, ठीक है, आप या जो जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग लाजमी मेंशन करें। फॉर एग्जांपल जो जो आप काम करवा सकते हैं, लाइक ये जिस तरह के आप प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप उसको मेंशन करते हैं स्किल में, तो उससे भी आपको एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट मिलेंगे। एजुकेशन मैटर, बेसिकली फ्रीलांसिंग के अंदर एजुकेशन इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, बट एजुकेशन भी मैटर एक लिहाज से करती भी है। रीजन ये है कि अगले पर्सन नेक्स्ट जो बायर है वो हमारा उसको अंडरस्टैंड हो जाता है कि आप लोगों की क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से आप उसको डील करेंगे, ठीक है, उससे ये कि अगर कोई एजुकेशनल मटेरियल भी फॉर एग्जांपल जैसे कंटेंट राइटिंग है वो आपसे किसी स्पेसिफिक आर्टिकल के बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन जिस तरह की है, अगर आप उस तरह की उसके अबाउट है तो वो आपको लाजमी देगा। जी लाजमी नहीं है, ठीक है, आपकी स्किल है आपके पास है तो वो भी टेस्ट दे सकते हैं, इसके लिए ओनर को ये नहीं कि आपकी सर्टिफिकेशन है तो ही आप करेंगे टेस्ट दे सकेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन भी आप लोग अपनी लाजमी अटैच, जो भी आपकी डिग्री है जिस रिलेटेड आपने क्वालिफिकेशन की है तो वो भी आप मेंशन करें, ठीक है, उससे ही होगा आप लोगों के पास एडवांटेज होगा। टेस्ट बेसिकली फाइवर वाले आप लोगों से टेस्ट लेंगे तो इनकी कोई इतनी फीस वगैरह नहीं, फीस नहीं होगी, ये बेसिकली आपकी स्किल को जज करके आपको जज करने के लिए, इसकी कोई फीस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये प्रोफाइल के एक वो दिखा देता हूँ कि हम किसी के प्रोफाइल विजिट करते हैं तो इस तरीके से बेसिकली ये सामने प्रोफाइल के जो चीजें शो हो रही हैं ये किसी प्रोफाइल के अबाउट उसकी गिग्स वगैरह आ रही हैं आपके सामने, उन्होंने आगे उसके बारे में बताया कि मैं फॉर एग्जाम्पल दो गिग्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, आई विल राइट 500 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑफ योर चॉइस, आप जो टॉपिक कहेंगे मैं इतने वर्ड्स इतने डॉलर में प्रोवाइड करूंगा, इतने वर्ड्स मैं आपको इतने डॉलर में प्रोवाइड करूंगा, अगर आप न्यू गिग बनाना चाहते हैं तो आप उसकी बना सकते हैं। तो ये प्रोफाइल है, अगर कोई आपके वो प्रोफाइल को
प्रीव्यू करना चाहे ठीक है तो उस पब्लिक मोड में, तो वो उसको जाके स्टडी कर सकते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन अपने अबाउट फील की होगी वो सारी चीजें उसको शो ऑफ जा सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए लगाए ताकि आप लोग इसको विजिट कर सकें। जी जाहिर बात है बेटा, आपको इसके लेटेस्ट आई है, आपने कोई न्यू चेंजेस आई है, अगर आप उसकी प्रोफिशिएंसी भी अपनी शो करना चाहते हैं तो आप उसको भी करेंगे ठीक है। तो उसके भी अगर आप लेटेस्ट टेस्ट देना चाहें उसके भी सेट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे टेस्ट किस तरह से देना है, उस चीज को हम बाद में देखते हैं ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर हम गिग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं ठीक है। तो अभी पिछले इवेंट में हमने देखा था कि वहां पे भी आ रहा है क्रिएट अ न्यू गिग, आप अपनी न्यू गिग्स बना सकते हो ठीक है। तो अभी जैसे इरफान ने भी आपको गाइड किया था कि ज्यादा गिग्स नहीं बनानी चाहिए ठीक है, आप कोशिश करें एक टॉपिक के अबाउट एक दो गिग्स बनाए, यानी कि आप डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज की बना लें, यानी कि आपको वो क्या चीजें कितने प्राइस में ऑफर कर रही हैं। जी मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ, ये देख लें गिग्स का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गिग्स, ये डिफरेंट ऑफर्स, ये जैसे दो ऑफर खड़ी ये गिग्स हैं ठीक है। तो गिग्स में बेसिकली हमारे पास ये है कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो गिग्स है वो क्या ऑफर कर रही है ठीक है, आप कितनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उस चीज को यहाँ पे। ठीक है तो गिग्स बेसिकली क्या है, हम जो ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज ठीक है, और बिड्स वो है जो हम प्रपोजल देते हैं बायर्स को। अच्छा अब हम लोग क्रिएट करने की तरफ चाहते हैं कि गिग के ऊपर आप लोग अगर ऊपर हमारे पास मेन्यू बार में आप लोगों ने देखा था कि गिग की ऑप्शन आ रही थी, आप उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये उसकी मैंने वीडियो भी शेयर कर दी है ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये स्क्रीन शेयर होगी, आप लोगों की जो गिग्स एक्टिव होंगी वो आपके सामने ये नीचे एक्टिव गिग्स के नाम से नीचे जो ऑप्शन आ रही है यहाँ पे सारी आपकी गिग्स आ रही होंगी ठीक है। अगर आप लोग अभी इनिशियली कोई गिग नहीं है तो आप लोग क्रिएट न्यू गिग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग गिग्स की तरह आप अपनी गिग क्रिएट कर लेंगे ठीक है। आगे इसको मैं फर्दर हम लोग आगे डिटेल में जाते हैं ठीक है। तो पहला काम यह है कि आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, गिग करेंगे, उसके लिए तरीका ये है ठीक है। ये मैंने उसके कुछ आपके स्टेप्स भी मेंशन कर दिए हैं ठीक है। सेलिंग में जाएंगे ठीक है, स्क्रीन और ठीक है ड्रॉप डाउन आएगा कहाँ, उस पर लिखा होगा गिग्स और उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू गिग के ऊपर। तो ये उसकी मैंने स्क्रीन भी आप लोगों के सामने शेयर कर रखी है ठीक है जी। तो ये गिग्स बनाने का प्रोसीजर बेसिकली मैंने कोशिश की आप लोगों को डिटेल में शो कर। अच्छा गिग फॉर एग्जाम्पल आपने क्लिक कर दिया, अब आपने गिग के बारे में आगे जो चीजें आएंगी गिग के जो आपके पास व्यू आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर, तो आप लोग इस व्यू पे आ जाएंगे जी। आप लोगों को शो हो रही है स्क्रीन, चैट में बेटा मुझे बताते रह करें ठीक है, अक्सर ही होता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है इंटरनेट की वजह से। तो आप लोगों के सामने ये स्क्रीन जो मैंने शेयर की है, इसमें जैसे आपने क्रिएट गिग पे क्लिक किया तो ये कुछ उसके आगे फर्दर फेजेस आ जाएंगे, तो ये फेजेस डिटेल में आपको सारी स्क्रीन में शो करने की तरफ आ जा रहा हूँ। तो पहली चीज ये है कि आप लोग उसको गिग को मैं अब इसकी थ्योरी की तरफ चला जाता हूँ। तो थ्योरी में ये पहली चीज है आपका टाइटल, तो टाइटल आपका कोई अट्रैक्टिव होना चाहिए ठीक है, अट्रैक्टिव आपका टाइटल देंगे ठीक है। फिर उसके बाद कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी के फॉल में वो आती है, यानी कि फॉर एग्जांपल किस फील्ड से वो बिलोंग करती है, और फिर उसके टैग्स देंगे, टैग्स यानी कि लोग जो सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिजाइन सर्च करता हूँ, मैं जाता हूँ फाइवर की, मैं इस टाइम एज अ बायर की बात कर रहा हूँ, मैं एक बायर हूँ, तो मैं जिस टाइम फाइवर पे जाऊंगा मैंने सेलर सर्च करना है सर्विसेज सेलर, तो मैं वहां पे जाके सर्च करूंगा मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए, तो मेरे क्या होगा मेरे सामने ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग्स आ जाएंगी। तो अब वो जो टैग्स हैं बेसिकली वो कीवर्ड्स, वो स्पेसिफिक वर्ड्स जो आप अपने गिग्स वगैरह में ये अटैच कर दोगे कि क्लाइंट आपको उसके लिए जब सर्च करे अगर वो आपके टैग्स उस मैच हो जाती है वैल्यू, तो आपका प्रोफाइल उसके सामने शो होगा। टाइटल को हमने आप लोगों से शेयर करते हैं ठीक है, आगे हम लोग आगे जाएंगे ठीक है, तो उसमें आ रहे हैं सारी चीजें। तो टाइटल बेसिकली मैंने जनरली आपको बात किया था कि आप जो भी काम कर रहे हैं ठीक है, लाइक पिछले भी वो जो मैंने आपके साथ शेयर की थी ये वाली, इसमें देखिए आप लोगों के पास ये टाइटल आया, विल राइट 500 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑफ योर चॉइस।
ये बेसिकली उसका टाइटल हो गया, सही है, यानी कि आप जो उसे ऑफर कर रहे हैं, यानी कि जो आप ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये कुछ मैंने इसकी टिप्स भी आपको प्रोवाइड की हैं कि टाइटल सॉरी पहली ये दी है कि सिंपल ऑन दिस प्रोसेस कीप द फॉलोइंग माइंड टू राइट कंप्लीटिंग ओवर। अब कौन कौन सी जिग टाइटल, पहली चीज है आप लोगों ने एलोकेट होते हैं 80 कैरेक्टर्स, ठीक है, यानी कि आप लोग 80 कैरेक्टर्स तक का वो सेंटेंस वहां पे लिख सकते हैं। तो इन चीजों को आपने इंश्योर करना है कि और वो थोड़े अट्रैक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि वो आपकी गिग बेटा गिग को आप टाइटल दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसका कोई कोई टाइटल तो होगा ना, ठीक है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हो तो उसका कोई उस सर्विस का कोई नाम देंगे, उसको कोई टाइटल देंगे, तभी क्लाइंट के जी आई एम सेलिंग कार, ठीक है, तो ये एक टाइटल हो गया। तो इसकी डिटेल्स वगैरह वो फर्दर है, टाइटल गिग का आप टाइटल रख लीजिए, एक किसी चीज का नाम रख देना, कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन लाइक या शॉर्ट नोट अबाउट एनीथिंग। एग्जाम्पल मैं आपको ये पीछे शो कर चुका हूँ बेटा, ये देखें, I will write 500 words on the topic of your choice. ये एक टाइटल उन्होंने दे दिया कि मैं लिख सकता हूँ आपके लिए कुछ भी, किसी भी आर्टिकल के अबाउट। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? क्रिएटिव डिजाइनिंग में मैं कह सकता हूँ लोगो, मैं उसके टैग में लोगो डिजाइनिंग, क्रिएटिव लोगो डिजाइनिंग, मैं अट्रैक्टिव ग्राफिक्स, फ्रीलांसिंग सॉरी कोई भी मैं लोगो डिजाइन के अलावा मैं कह सकता हूँ वेबसाइट डिजाइन, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट, या इमेज एडिटिंग, एडिटिंग वीडियोस, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट चीजें बना सकते हैं आप, उसके टैग बना सकते हैं। टैग बेसिकली शॉर्ट, उसके टैग वहां पे आप लोगों को वो लिस्ट प्रोवाइड करेगा, जैसे आप कुछ लिखेंगे तो उसके अबाउट वो लिस्ट भी बनेगी। तो मैंने आप लोगों के सामने ये टाइटल के बारे में बताया, 80 कैरेक्टर्स आपके पास है जो वो उनको काउंट करोगे, इंश्योर करोगे आपका कंसाइज और प्रसेक्ट। मैंने कहा पहली चीज तो आपने रिक्वेस्ट करना है कि वो आपका जो सेंटेंस आप लिखने जा रहे हैं टाइटल, वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, उस अट्रैक्टिव सेंटेंस की बेस के ऊपर ही आपकी गिग के सक्सेस रेट का हम अंदाजा लगाते हैं। फिर आ गया कैटेगरी। अब कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फाइवर जो ऑटोमेटिकली हमें सजेस्ट कर गई किस कैटेगरी में, फॉर एग्जाम्पल आप वहां पे हमारे पास ना उसके नीचे ड्रॉप डाउन के स्ट्रक्चर में वो हमें प्रोवाइड कर देगा कि आपको कौन सी चीजें ऑफर कर। मैं बेटा आप लोगों की चैट भी साथ साथ देख रहा हूँ, तो आप लोग जो भी आपकी क्वेश्चन होंगे पिक किए करें। अच्छा आपने टाइटल लिखा, टाइटल के हिसाब से फ्री फाइवर ने क्या किया, कुछ कैटेगरीज आप मैंने लिख दिया वैसे ये टिप्स के अंदर कि आपको कुछ उसने ऑफर कर दी कि ये कैटेगरीज ये फॉल करता है, बट इन केस ऑफ आपको वो नहीं, आप लोग को लगता है कि ये सूटेबल फील्ड्स नहीं है, ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती मेरी चीज, आपका टाइटल शायद मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया फाइवर, तो आप क्या करें अपनी मर्जी से ड्रॉप डाउन के जरिए कुछ फाइंड करके, यानी कि जो आप जिस कैटेगरी में उसको फॉल करवाना चाहते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा अगर जनरली मैं बात करता हूँ, आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो किस चीज से अट्रैक्ट होते हो, कोई ऑफर से, ठीक है, ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल कह सकते हो वी ऑफर लोअर रेट ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है, वी डू एनीथिंग ऑफ ग्राफिक्स इन लोअर रेट्स, इस तरह की कोई बात करें जिससे क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जी किसी का कोई और क्वेश्चन?
बेसिकली कलेक्शन की बेटा, ये प्लेथोरा आप कह रहे हैं कलेक्शन के बाद, और ये इंग्लिश के डिफरेंट हो आपने इनके कैटेगराइजेशन जो हमने की थी है, ठीक है, उनकी लिस्ट हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद होंगी, ठीक है, तो ये लिस्ट की बात हो रही, कलेक्शन की बात हो, तो ठीक है आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, मैं इस सेंटेंस को कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, आपके पास मौजूद आ जाएगा, ठीक है, और उसकी सब कैटेगरीज भी वहां पे फॉल करती हैं, आप उनमें से भी सिलेक्ट कर देंगे। उमेरा आप क्या कह रहे हो बच्चे? नो सर, ये क्वेश्चन आपका क्या है मुझे समझ नहीं आया मेरा। अच्छा, फिर उसके बाद सर्च टैग्स, सर्च टैग मैंने, अच्छा तो सर्च टैग बेसिकली ये है कि हम लोग, मैंने पहले भी कहा था, जैसे वो हम लोगों मैंने कहा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अबाउट मैंने आपसे बात की थी, तो उसी तरह से सर्च टैग्स भी हमारे पास क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड्स वहां पे सेट होते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोगों के पास ऑप्शन होती है। अगर आप लोगों में इसको यूट्यूबर है तो उसको भी आइडिया होगा कि वो कोई वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं तो उसके साथ टैग्स सिलेक्ट कर देते हैं, ताकि अगर कोई उन टैग्स का वर्ड यानी कि अपने सेंटेंस के अंदर वो वर्ड्स इस्तेमाल कर लेता है तो वो टैग्स आपके एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आप चीज आपकी टॉप रेटेड जाती है। तो फाइवर में भी उन्होंने आपको टैग्स की ऑप्शन दिया, आप वहाँ पे सर्च टैग सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो चीजें आपकी गिग को अप लेके जाएंगे, और जब ये आप सारे काम ये कर लेंगे यानी कि टाइटल दे देंगे, फिर उसकी कैटेगरी किस में फॉल करती है वो ऐड कर देंगे, फिर उसके सर्च टैग सेट कर दोगे, तो फिर क्या होगा वो सेव एंड कंटिन्यू आप करके आगे मूव कर देंगे, नेक्स्ट फॉरवर्ड चले जाएंगे। तो इसकी मैं आप लोगों को ये आपके पास ऑप्शन मैंने शो कर दी है, और साथ में ये बेटा आप लोगों के पास ना एक ऑप्शन, ये छोटा सा एक ट्यूटोरियल की वीडियो भी आप लोगों को उन्होंने शो की होती है, यानी कि फाइबर वाले ट्यूटोरियल भी छोटा सा इसमें दिया होता है आपके गिग के अबाउट। देखिए बेसिकली फाइबर क्योंकि टूल्स भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हेल्प कर आउट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। यहां तक आपको क्लियर है, कोई इशू है तो यहाँ पे क्वेश्चन। ओके ठीक है, जब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जी, हमने फॉर एग्जांपल मैंने बेसिक अपना जो स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया 4। अब मैंने अपनी गिग यानी कि गिग के मैंने टाइटल भी दे दिया है, मैंने किस कैटेगरी की मैं गिग बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने ऐड कर दिया है, और फिर मैंने उसके साथ सर्च टैग भी लगा दिया। अब नेक्स्ट जो मेरा उसके ऊपर मैं टास्क करने जा रहा हूँ वो मैं अपनी गिग को प्राइसिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो ये मैंने इसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आपकी स्लाइड्स आप लोगों ने शेयर की थी व्हाट्सएप पे, वहां आप स्टडी कर सकते हो कि गिग्स जब हमारे पास इनरोल्ड होंगी, ठीक है, फाइबर के ऊपर, तो हमें तीन तरह की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, यानी कि पेमेंट वगैरह के जो हमारी उसके प्राइसिंग सेट करने का, एक है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, और अब उसके अबाउट मैंने फिर आगे फर्दर आप लोगों की चीजें डिस्कस कर दी हैं, मैंने उसकी टिप्स भी आपको फर्दर प्रोवाइड कर दी हैं। अगर हम लोग कोई स्कोप है किस चीज का प्राइस है, ठीक है, तो पहली चीज तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर यही की थी कि आप प्राइसिंग सेट करते कोशिश करेंगे इनिशियली जब आप लोग तो ज्यादा बड़ी प्राइसिंग सेट ना करें अपने गिग्स की, आप लोग कोशिश करें कि लोअर रेट में ही वहां पे सेट करें गिग्स। सर्च टैग मैं अगेन बता देता हूँ, सर्च टैग बेसिकली मैं पीछे जाता हूँ प्रीवियस स्लाइड में, तो सर्च टैग बेसिकली वो टर्म है जब कोई, ठीक है, बायर जो है वो हमें सर्च करता है, ठीक है, वो कोई फॉर एग्जाम्पल कोई सर्विस, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक बायर हूँ, मैं सर्च करूँ, मैं जी लोगो डिजाइन करवाना है, मैं कहूँगा आई लोगो डिजाइन, सर्च करूंगा लोगो डिजाइन, तो मेरे पास डिफरेंट गिग्स शो हो जाएंगी, तो मैंने इस तरह के बहुत से आप लोग वर्ड्स लगा दोगे लोगो डिजाइन, ठीक है, जो आपकी आपकी उसी उसी सर्च की बेस के ऊपर शो हो जाएगी। आप ग्राफिक्स पे काम करते हो आप, ठीक है, उसके टाइटल में आप चीज सारी चीजें मेंशन कर चुके हो गए, या आई एम ग्राफिक डिजाइनर, इस तरह के सेंटेंस दिए, आई डू ग्राफिक, या आई एम डिजाइनर टू डू इन लो प्राइसेस, ठीक है, ये आपके टाइटल रखा हुआ है। बट अब ये आपकी गिग जो है ये कैसे शो होगी, जब आपका सब टाइटल किसी के साथ मैच करेगा, किसी ने सर्च किए ग्राफिक डिजाइनिंग, आपकी गिग आप आ जाए, तो
इस तरह की वर्किंग के लिए हम लोग कह लें कि अपने वर्ड्स को मैच करवाते हैं कि जब मेरी गिग शो किस वक्त हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये कोई ट्रांसलेशन करवाना चाहता है आपकी ग्राफिक की, तो गिग नहीं उसके साथ अटैच होगी ना, तो इस तरीके से आप अपनी गिग्स को प्रमोट करें, किस गिग को किस टाइम पे अपेयर करवाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सेट करते हैं अपने जी अब वो तो बेटा मैंने हमने कहा था कि टाइम टू टाइम अपने प्रोफाइल को अपडेटेड रखेंगे, वो तो हमारा मेजर थिंग है ना कि हमने, ठीक है, बट बेसिक चीजें हम नहीं बदल सकते, ठीक है, बाकी चीजें हम प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। जी जी ये मैंने आपको ये बात हम पहले भी पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग अपने प्रोफाइल को किस तरीके से वर्किंग में रखेंगे। जारी बात है कि मैंने क्रिएट किया है तो मेरे पास सारी उसकी ऑप्शन होंगे उसके बाद। हाँ ये बेटा मैं आपको टिप्स में आगे गाइड कर रहा हूँ इस चीज के बारे में, हम इसकी तरफ आते हैं, अभी मैं पिछले क्वेश्चन की तरफ चला गया था, बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अच्छा ये देखें, अब हमने गिग बनाई, ठीक है, ये मैं स्क्रीन शेयर की है आपके साथ, ये लास्ट में बच्चे ने क्वेश्चन किया था मुझसे अभी ना कि जी ये स्टैंडर्ड प्रीमियम और इसका क्या चीज है। ये आपकी अपनी च्वाइस है, आप जो प्रीमियम यानी कि आप प्राइसिंग सेट कर रहे हो, ठीक है, कि आप बेसिक करके दोगे तो कितने टाइम में करके दोगे, क्या उसके लिए पेमेंट चार्ज करोगे, उस पैकेज के नाम बना रहे हो, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड करते हो यानी कि नॉर्मल टाइम काम कितने में करते हो, तो ये उसकी बात हो रही है, यानी कि कोई भी आप सर्विस ऑफर कर रहे हो तो आपको उसने क्या तीन कि अगर मुझे कोई ज्यादा पैसे देगा तो मैं ज्यादा जल्दी काम करके दूंगा, यानी कि मैं अपनी प्रायोरिटीज उस वर्किंग जो मैं जो अपनी गिग बना रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक काम करते हो कि जी लोगो डिजाइनिंग करते हो, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगो डिजाइनिंग करते हो, अब आप क्या एक ज्यादा पैसों वाले क्लाइंट को भी उसी टाइम में डिलीवरी करोगे और कम पैसों वाले को भी उसी टाइम में करोगे, ठीक है। तो आप अपने डिफरेंट पैकेजेस बना लोगे कि जी मैं बेसिक आम जो काम करता हूँ, ठीक है जी, मैं $5 में करके देता हूँ, उसमें मैं इतना टाइम लेता हूँ और इतने डेज में करके देता हूँ, रिवीजन भी करके देता हूँ, वो सारी चीजें उसकी ऑप्शन है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड में यानी कि नॉर्म वर्किंग में किस तरह करके देता हूँ, अगर फर्ज है वो मैंने $10 में रखा हुआ है, फिर एक मैंने प्रीमियम पैकेज बनाया हुआ $20 का, उस पैकेज के अंदर मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं जी बहुत हाई यानी कि फॉर एग्जाम्पल $20 चार्ज करता हूँ और मैं एक दिन में काम करके देता हूँ, बेसिक में मैं 10 दिन में करके दे रहा था, स्टैंडर्ड में मैं 5 दिन में करके देता हूँ, प्रीमियम में कह लो कि मैं 2 दिन में करके देता हूँ। तो बेसिकली मैंने अपने उसी गिग को किस तरीके यानी कि किस पैकेज में मैं कौन सी ऑफर सर्विसेज करता हूँ, तो इसके बारे में ये बात हो रही है। क्लियर हो गया बेटा आपका? तो अब ये वापस मैं इसकी ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने तीन अपनी कैटेगराइजेशन बनाई होती हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स की गिग को, ताकि मैं उसके बेस के ऊपर अपनी प्राइसेस वगैरह सेट कर सकूं, ठीक है। तो उसके नंबर ऑफ पैकेजेस में क्या क्या सर्विसेज किस पैकेज में ऑफर कर रहा हूं, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। फिर पैकेज का नाम क्या रखना है, ठीक है, वो जिस तरह आप गिग अपनी करते हो तो उस तरह पैकेज का नाम भी आपका थोड़ा अट्रैक्टिव सा होना चाहिए, ठीक है, आप उसका नाम रखते हुए भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। आप यानी कि किस पैकेज के अंदर आप कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हो, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग की फॉर एग्जाम्पल जी मैं स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर मैं ऑफर करता हूँ जी मैं सिर्फ लोगो बना के देता हूँ, ठीक है। फिर मैं उसके बाद कह देता हूँ कि जी मैं रिज्यूमे भी बना के देता हूँ, मैं लोगो भी बना के देता हूँ, ठीक है, मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन उसके यानी कि कवर पेजेस भी बना के देता हूँ, यानी कि जो जो सी सर्विसेज आप इंक्रीज कर रहे हो अपने पैकेज के साथ उसके ऊपर भी आपके वो स्ट्रक्चर सेट करते हो। फिर हर पैकेज का डिस्क्रिप्शन, डिलीवरी टाइम, रिवीजन, ठीक है, प्राइस क्या रखते हो उसके, ठीक है, और
उसके अलावा एक्स्ट्रा गिग्स वगैरह भी, और शिपिंग यानी कि उस चीज को डिलीवर करने की वर्किंग जो है उसको भी आप लोग वहां पे मेंशन कर दो कि कौन सी चीज कब मैं कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है, तो शिपिंग बेसिकली क्या, लोग कुछ चीज भेजना, ठीक है, उस चीज के बारे में कोई यानी कि फिजिकल थिंग अगर आपसे कुछ ने कोई ऑर्डर किया उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि शिपिंग चार्जेस तो आपको पता है कि आपके डिलीवर, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लोकल कोई चीज भेजनी है तो जाहिर बात है कम होगी, और इंटरनेशनल भेजनी है तो ज्यादा बचा, वो लोकेशन बेस करती है, तो डिलीवरी टाइम हर चीज आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दोगे। बाकी ये व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने भी मैसेज किया है कि अटेंडेंस कहाँ पे लगानी है, तो ये सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, वो अटेंडेंस आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा प्रॉब्लम है, वो अटेंडेंस वगैरह आप लोगों की मार्क हो रही है। ठीक है जी, यहां तक आपको कोई इशू? बेसिकली ये मैंने कभी इस तरह का एक्टिविटी परफॉर्म की नहीं है। आई थिंक सो कि आपकी प्रीवियस एक दफा आपने अकाउंट बनाया है, तो अगर उसको डिलीट करके आप दोबारा बनाते हो तो मे बी सम इश्यूज हो, क्योंकि एक अकाउंट ऑलरेडी डी लेकल को तो रजिस्टर्ड है, आप उसको डिलीट करेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर नहीं। नहीं नहीं बेटा, वो आप लोगों की लास्ट टू अटेंडेंस के यानी कि कल से आप लोग एनरोल हुए हैं तो वो आप लोगों की अटेंडेंस आ जाएगी, वो कोई इशू नहीं है, वो आप लोगों की मैं मार्क कर दूंगा। अटेंडेंस आप लोगों की हम लोग, क्योंकि जब तक आप लोग एनरोलमेंट का स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट आप लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है, जो बाकी बच्चे भी रहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों की अटेंडेंस के बेसिकली हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, इस चीज का परेशान। अच्छा ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों की? आप लोग अगर आप लोगों इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग वहां पे कर सकते हैं, आप लोगों के अगर लाइट वगैरह कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप फौरी व्हाट्सएप पे हमें इन्फॉर्म करते हैं ताकि हम लोग उसको डील करें, क्योंकि आप लोगों को लास्ट टू डेज तक की अटेंडेंस मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हम अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन, इसकी मैं आप लोगों को पहले स्क्रीन भी दी, मैंने इस दफा कोशिश की है कि ये स्लाइड्स के अंदर ना आप लोगों के साथ। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर देखो तो आप अपनी उस की डिटेल बताना गिग की, यानी कि वो तो हमने टाइटल शो हो रहा होता है, ठीक है, उसका प्राइस शो हो रहा होता है हमारे पास गिग का, तो मैं आप लोगों को अगेन वो गिग वाला व्यू दिखा दूं। तो ये देखो, ये आपके सामने बेटा प्राइस शो हो रहा है और आपने वहां पे प्राइसिंग सेट की हुई है $10। अब ये आपकी वो स्टार्टिंग प्राइस वहां पे शो कर रहा होगा, यानी कि $5 फॉर एग्जांपल आपने स्टैंड वो जो बेसिक का आपने रखी थी अमाउंट, मिनिमम अमाउंट रखी थी वहां से, यदि आप इस प्रोफाइल के अंदर इतने से प्राइसिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अब उसके टाइटल शो हो रहा होता है। बाकी अगर जब मैं उस गिग के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन रीड करूंगा, ठीक है, तो फिर मैं कहां किस विंडो पे पहुंच जाऊंगा, अपनी डिस्क्रिप्शन वाली भी इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये बेसिकली उसी के फेजेस चल रहे हैं, ये मैंने आपको जब हमने क्रिएट गिग किया था पहली ऑप्शन ये देखें आप किया था, तो ओवरव्यू सेव कंटिन्यू किया, मैं अगली प्राइसिंग में चला गया। प्राइसिंग के बाद जब फिर मैं नेक्स्ट विंडो पे जाऊंगा तो वो मेरे पास कहां पहुंच जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है बेटा आप लोगों को यहां तक?
बच्चे आप लोगों के साथ ये लेक्चर शेयर हैं, जो लोगों की क्लासेस मिस हुई हैं उन लोगों के लिए मैंने कल ग्रुप में अगेन शेयर करवा दी थी चीजें, तो आप लोग काइंडली इस चीज को इंश्योर कीजिए। वो कुछ हम स्लाइड्स भी आप लोगों के साथ मैं अगेन शेयर कर दूंगा, वो LMS के ऊपर भी आप लोगों को सारी डिटेल्स, अब वो LMS के ऊपर वो अपलोड नहीं हुई है अभी, तो LMS पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकोगे, वहां पे मैं PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके अटैच कर दूंगा आज, आप लोग LMS से डाउनलोड कर सकेंगे प्रीवियस सारी चीजें, वीडियोस वगैरह आपके लिए, आप लोगों लेक्चर्स की आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन बेसिकली अब इसके बारे में जो मैंने आप लोगों, अच्छा अब डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या है, डिस्क्रिप्शन आपने एक टाइटल तो लिख दिया अपनी गिग का, अब गिग क्रिएट की तो क्लाइंट आपके बारे में, फॉर एग्जांपल आप उसी गिग से इंस्पायर्ड हुआ लेकिन टाइटल देखा, अब वो आपकी डिटेल्स फर्दर जज करेगा, तो यहाँ पे वहां पे उसने हमें करेक्टर्स टाइटल में दिए थे कितने, ओनली 80 करेक्टर्स, बट जब डिस्क्रिप्शन में हम जाते हैं तो वो हमें मिनिमम 120 करेक्टर्स प्रोवाइड करता है कि अपने डिस्क्रिप्शन कम से कम 120 करेक्टर्स पे लिखें, ताकि आप उसके अंदर अपने बारे में बताएं कि जी मैंने ये काम किया, किस तरीके से मैं करूंगा, अपना प्लान ये वो सारी, और मैक्सिमम आपको 1200 करेक्टर्स का एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने की इजाजत है उसके अंदर, आप उसके अंदर डिटेल बताएंगे अपने उस पैकेज की या उस स्ट्रक्चर की या उस अपने वर्किंग की। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मेरी गिग्स के ऊपर नेगेटिव क्लाइंट रिव्यूज देते हैं तो वो मेरे लिए मेरे सारे यानी कि स्ट्रक्चर वो तो अच्छा है, अनहैप्पी क्लाइंट्स भी आके नेगेटिव रिव्यूज दे सकते हैं मेरे गिग के ऊपर, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपनी गिग के अंदर जो डिटेल लिखे हैं वो आपकी वर्किंग को शो करती हो। ठीक है, कि आप किसके लेवल के हिसाब से वो आपकी क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन लेवल को उसकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करें। तो ये चीजें मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी पहले काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, वैसे कि डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लोगों ने क्लाइंट्स को किस तरीके से डील करना। जी यहाँ पे आपके कोई क्वेश्चन क्या, तो बेसिकली हमने वहाँ पे फिल कर दी अपनी डिटेल वगैरह दे दी, फिर उसके बाद नीचे मैंने फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस बेसिकली वो आपके पास है कि अगर कोई क्वेश्चन वहाँ पे करता है ठीक है, तो जो आपसे किए गए आप उसको बाद में भी रिवाइज कर सकते हो, इनके अगर क्वेश्चन आपके उसके अबाउट लोगों ने किए तो उसके बारे में चीजें आप ऐड कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे वहां पे कोई आपके बार किसी चीज के बारे में आपको लगता है कि मुझसे लोग पूछेंगे तो आप वहां पे पहले ही मेंशन कर दो क्वेश्चन उसके आंसर्स भी। ठीक है, कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में ये है कि उसकी डिटेल वगैरह इंक्लूड हो, तो उसकी भी मैंने स्क्रीन अटैच आपके साथ इसमें कर दी है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में आप जाएंगे, ठीक है, ये प्लस एड FAQ आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चन भी एड करेंगे और उसको आंसर। ठीक है, देन आप इस फेज को भी सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, और आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट फेज में जो है एस्टैब्लिश करना कि आपकी गिग की रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, इसकी स्क्रीन भी मैंने आप लोगों के साथ अटैच कर दी है। अब आप लोगों को नीचे, आप ये नीचे अगर आप लोग देख रहे हो, आप लोग जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह ये जो चीजें भी मेंशन करते हैं, ये पिछले भी सारे फेजेस हैं उसमें उन्होंने आपको बता दिया है आप लोगों के सेंटेंस आप कितना टाइप कर रहे हैं, वो करेक्टर्स का स्टेटस भी आपके पास आ रहा होता है, तो कोशिश करें कि आप अपने करेक्टर्स लिमिटेशंस के अंदर ही वर्क करें। जस्ट अ मिनट,
जी, तो बेसिकली ये है कि आपने वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। तो अब मैं आपकी इसके थियोरेटिकल के पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगो डिजाइनिंग करते हैं, तो अगर आप उसकी सैंपल उनसे ले लेते हैं कि किस तरह का उन्हें लोगो की रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह की चीजें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। आप क्लाइंट से कोई क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसके अंदर टेक्स्ट में उससे पूछ लें कि जी आप किस तरह जाते हैं, आप मल्टीपल आंसर कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, या कोई फाइल्स अटैचमेंट की उनसे और रिक्वायरमेंट ले लेते हैं आप कि अगर उन्होंने कोई आपको ऑर्डर करना है तो किस तरीके से वो आपको डील कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, क्लाइंट्स, क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो कुछ तो मुझे कॉन्टेंट्स चाहिए होंगे ना उस क्लाइंट से कि जिसका मैं काम करने लगा हूँ, तो उसके लिए वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे थे, वो SDLC में भी हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट्स लेनी है, तो रिक्वायरमेंट्स से पहले आप अपनी गिग बना रहे हैं, तो आप लोगों ने सारी चीज़ें आप उसके बारे में बता देंगे कि ये काम इस तरीके से होगा, तो मुझे आपसे ये चीज़ चाहिए होगी इस काम के लिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ लोगो डिजाइनिंग की, तो अब लोगो डिजाइन करने से पहले मुझे अगर कंपनी का नाम पता हो वो किस चीज़ की कंपनी है, ठीक है, इसलिए तो मैं उसी तरह का लोगो उनके लिए डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई रेंट ए कार है, ठीक है, तो आप रेंट ए कार के लिए अगर कोई या रेंटल सर्विसेज कोई कार्स की प्रोवाइड करता है आपको, तो आप उनके लिए कोई अगर करते हैं लोगो डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, उसकी कंपनी का नेम आपको आइडिया होना चाहिए, फिर कोई कार का टचअप देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट यानी कि इंफॉर्मेशन गेन करना उसके अबाउट, ताकि आप लोग उसी के रिलेटेड काम कर सके जो वो करवाना चाह रहा है। ठीक है, फिर नीचे मैंने फ्री टेक्स्ट, यानी कि आप ओपनली कोई सेंटेंस या डायमेंशन के अंदर उससे पूछ लें, कोई एसे या के अंदर वो आपको दे दे, ठीक है, या दूसरे मल्टीपल आंसर। मल्टीपल आंसर में ये है कि आप वहां पे ऐड करने की आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, तो आप वहां पे जाके अपने आंसर्स की वो वर्किंग भी ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे डिटेल में आपके पास होगा, ठीक है, उसके अंदर आप मल्टीपल उससे क्वेश्चनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर आपको सारे वो बॉक्सेस वगैरह आप लिख दिए, मेंशन कर दिए आपके थ्योरी में, कुछ स्क्रीन शेयर्स में चीजें शेयर उन्होंने भी हो रही। अक्सर क्लाइंट, फॉर एग्जांपल मैंने उस दिन आप लोगों को याद हो कि एक लोगो डिजाइन का एक freelancer.com जब हमने पढ़ा, तो उसे हाथ से बनाया हुआ लोगो उसने एक स्केच दिखाया था, ठीक है, उसने कहा मुझे यही लोगो चाहिए, ठीक है, एक तो वो वे था, ठीक है। दूसरा वे ये है कि आप दो तीन तरह के लोगो उसको दिखा देते हो कि सर किस तरह का आपको लोगो चाहिए, उससे आप अंदाजा लगा लेते हैं उसके माइंड का, ठीक है, वो किस तरह का लोगो। अगर वो आपको सैंपल दे दे तो ये तो गुड इनफ हो गया कि मुझे इस तरह का लोगो चाहिए। अगर वो इस तरह की चीजें हमें प्रोवाइड नहीं करता, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसके नाम, उसकी कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से खुद अपनी जजमेंट की बेस के ऊपर उसको बना के चीजें दिखाएंगे। जी सफिया, क्लियर हुई है बात आपको? क्योंकि मुझे क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट लेनी है कि वो क्या चाहता है, तो रिक्वायरमेंट बेसिकली यही चीज है ना कि मैं उससे इन्फॉर्मेशन लूं कि किस तरह का उसे काम चाहिए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल उसे किसी और तरह का लोगो चाहिए, मैं किसी और तरह का बना के देता हूँ, तो वो उसे तो मे बी वो चीज पसंद ही नहीं आएगी। तो क्योंकि मैं आगे आप लोगों से ये भी डिस्कशन है कि क्लाइंट से हमने पॉजिटिव फीडबैक भी लेना है, रेटिंग, ठीक है। क्लाइंट कोई चीज मांगता है तो उसको हम लोगों ने पॉइंट्स उसके क्लियर करने हैं, उससे पहले क्वेश्चनिंग करने हैं, वो लाइक मैसेजिंग में हम उससे बात कर सकते हैं। आप लोग उसे पहले रिक्वायरमेंट और डिटेल में ले लें, ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। इन केस ऑफ अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं हमें, तो वो हमारे कह लो कि नेगेटिव इंपैक्ट्स भी क्रिएट, क्योंकि मैं अपने काम के टाइम रिक्वायर्ड टाइम जो मेरे पास उसने मैंने टाइम दिया है कि मैं डिलीवरी टाइम इतने में आपको करके दूंगा, मैं तो उसमें फिर काम कंप्लीट नहीं करके दे सकता। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं मेरे पास। अच्छा ठीक है जी, 11 बज चुके हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। हैदर अली, मैं भी टाइम को देखते हुए मैंने भी खुद ही जज कर लेते हैं कि ब्रेक की तरफ भी है, बच्चे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो अब आप लोग ब्रेक कर लो, ठीक है। तो हम लोग 11:30 बजे क्लास को अगेन ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सर एक और चीज डिस्कस कर लूँ, अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग स्टेप 8 के अंदर क्या करते हैं, गैलरी के अंदर क्या करते हैं, आप अपनी गिग की जो गैलरी है उसके अंदर फोटोज, वीडियोस और PDF फाइल्स, ठीक है, यानी कि आप अपने कोई टास्क किए हैं उसके बारे में शेयर कर सकते हैं। फोटोज बेसिकली अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, मेरे पास तो जो यानी कि मैंने गिग बनाई है ये लोगो डिजाइनिंग की, तो मैं अपने लोगो डिजाइनिंग के कुछ सैंपल्स वहां पे अपलोड कर दूंगा,
ठीक है, यानी कि जो मेरी स्किल को शो करे। ठीक है, अगर कोई मैं वीडियोस वगैरह, अगर मेरे पास कोई एनिमेटेड कोई स्टाइलिश वीडियो है कि मैं अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोई मैंने एनिमेटेड कोई वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी मैं वहां पे अपलोड कर सकता हूँ जो मेरी स्किल को शो करती हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं पीडीएफ के अंदर भी अपनी डिटेल्स वगैरह कोई किसी सर्टिफिकेशन यानी कि मैंने इसके बारे में कोई चीज बनाई हुई है या कोई काम जो की है, अगर पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास, तो पीडीएफ भी वहाँ पे अपलोड की जा सकती है। ठीक है जी, तो ये मैंने उसकी स्क्रीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ठीक है, कि किस तरह का आपका व्यू होगा यहाँ पे, जो चीजें शो हो सकती है मैंने लोगों के साथ। नेक्स्ट बेसिकली अब पब्लिश करना, यानी कि मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, आपके गिग को यानी कि सेव करवा देना। जैसे ही आप उसको पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो आपकी गिग आपकी प्रोफाइल के ऊपर ऐड हो जाएगी और वहां पे शो होने लग जाएगी। फिर आप लोग उसको सोशल प्लेटफॉर्म यानी कि आप उसको पब्लिश करना चाहो, अगर फेसबुक पर ट्विटर के जरिए उसको प्रमोट करना चाहो, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, वो उसका फीचर भी आपके पास मौजूद है। और उसके वो भी बता दिए कितनी दफा, जी मैं अगेन बता रहा हूँ। ठीक है, कि स्टेप 8 के अंदर ये है कि बेसिकली हम लोग जब ये गिग बना रहे थे, तो 7 स्टेप में ये था कि हमने उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह और ये सारी चीजें फिलअप कर दी। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी ले ली। अब सारी फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं अपनी प्रोफाइल के साथ अपने सैंपल टास्क वगैरह अटैच करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं 3 तरह की चीजें उसके साथ अपनी गिग के साथ अटैच कर सकता हूँ। उसके अंदर वीडियोज हैं, फोटोज हैं और पीडीएफ है। तो उससे ये होगा, मेरे गिग के अबाउट फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, तो उसको डिटेल में वहाँ पे कोई सैंपल टास्क में अपने वहाँ पे अटैच कर दूंगा अपनी गिग के साथ, ताकि वो कोई भी देख सके। तो उसकी मैंने आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टली नोट भी लिख दिया है उसके ऊपर, यानी कि टिप भी प्रोवाइड कर दी कि गैलरी के अंदर आप फोटोज किस तरह की और क्यों आपको क्या एडवांटेज देंगे। उसके मैंने टाइम स्पैन वगैरह भी बता दी, क्योंकि आप लोग ट्राई करोगे वो आपकी अपलोड नहीं होगी उनके, तो उसके जो इश्यूज हैं वो भी मैंने सारी चीजें यहाँ पे शॉर्ट नोट में आप लोगों के सामने लिख दी हैं। ठीक है, फोटोज के अंदर ही आप उसको ड्रैग करके भी वहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, और अपलोड भी कर सकते हो। बट एक चीज माइंड में रखना कि आपने किसी की वीडियो या तस्वीर उठा के या किसी के कॉन्टेंट नहीं उठाने, किसी और की गिग कॉपी नहीं करनी, आप लोगों ने प्योरली अपनी गिग क्रिएट करनी है। क्योंकि प्लेजरिज्म आने से आपके अकाउंट बैन हो जाते हैं, फिर बाद में बच्चे कह रहे होते हैं जी हमने सर आपके तरीका ही फॉलो किया, बट आप लोग क्या कर रहे होते हो, कॉपी कर लेते हो, तो प्लेजरिज्म आ जाता है। जी अभी ये आपके पास जो अटेंडेंस है वो सारी शो हो रही है, अगर किसी ने वहां से अपनी चेक करनी वो कर सकता है। ठीक है, LMS में आपके शो अगर आपने एडिटेड किया है, मगर उसके अंदर फुल्ली अगर उनके कोई लोगो या कोई ट्रेडमार्क लगे हुए हैं, तो आप लोगों उनके पास कॉपीराइट एक्ट है, वो आपके क्लेम कर सकते हैं इसने मेरा एक वीडियो दिखाया हुआ। तो कोशिश करें कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, एडिटेड इमेजेस शो किए जा सकते हैं, बट आप लोग उसके अंदर ट्रेडमार्क अगर किसी का लगा हो, तो उनका इमेज आपका तो नहीं है ना। आप किसी का लोगो उठा लें उसके अंदर कलर चेंज करके आप कहें ये मेरा हो गया, तो बेसिकली इस तरीके से भी नहीं होता ना। वो ट्रेडमार्क वगैरह ना बीच में कोई ना कोई हिंट भी शो किए होते हैं, अक्सर ने वाटरमार्क लगाए होते हैं कि कोई मेरा लोगो वैसे उठा के यूज ही ना कर ले, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। प्लेजरिज्म चेक करने के लिए उनके पास बैक एंड पे सारे स्ट्रक्चर होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आप यूट्यूब पे कोई भी चीजें एक्सप्लोर करते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको उसी तरह की चीजें क्यों दिखाई देती हैं? ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास कह लें जो डिफरेंट पीछे प्लेजरिज्म टूल्स इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि हमें चेक कर रहे होते हैं।
सारी बात, अगर मैं किसी की कॉपी करता हूँ कोई चीज तो वो प्लेजरिज्म उसका आ जाएगा, अगर मैं प्योरली खुद लिखता हूँ तो वो उसमें प्लेजरिज्म नहीं आएगा। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि आपको खुद लिखो अपना डेटा, और प्लेजरिज्म चेक करने के लिए भी डिफरेंट टूल्स आजकल अवेलेबल है, ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं जो प्लेजरिज्म चेक करती है। तो अगर आप कोशिश करो प्लेजरिज्म भी आप लोग कुछ कंटेंट्स वगैरह का चेक करके यूज करें ताकि किसी पे प्लेजरिज्म ना आ रहा हो। हैदर अली, यू नो अबाउट एनी प्लेजरिज्म? इट्स अ बेसिक टास्क नाउडेज, क्योंकि किसी को कंटेंट हम अगर उठाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा जी मेरे लिए ये वाले कंटेंट राइटिंग की बात करो, तो अगर वो कुछ काम करवा रहा है तो वहां पे हम किसी का कंटेंट उठा के क्लाइंट को दे देते हैं, तो मे भी वो जब उसको पब्लिश करने लगेगा तो वो आप उसमें तो आपको लिख के देना है मुझे, आपने आप कहीं से कॉपी करके उसको भेज देते हो तो वो प्लेजरिज्म चेक करेगा। तो आप लोगों ने प्लेजरिज्म के अबाउट बहुत कंसर्न रहना होता है। एक्टिवेट करना पड़ता है, वो रीजन ये होगा कि आपकी वो गिग के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो ये हो जाता है अक्सर। जी डिफरेंट वेबसाइटें हैं, मगर उनके लिए एक दो वेबसाइटें स्कूल ऐसे भी मौजूद हैं जो ये बता देते हैं कि किस स्कूल ने इसको यूज किया हुआ इसके ऊपर, यानी कि प्लेजरिज्म मैनुअली रिमूव की गई, ऐसे टूल भी मौजूद है, ठीक है? तो वो फिर वो पकड़े जाते हैं, ठीक है? तो कोशिश करें आप प्योरली खुद से लिखें, गिग को इतनी ज्यादा अपने वर्ड्स तो लिखने नहीं है, ठीक है? आप अपने अबाउट खुद अपने आप डिस्क्रिप्शन बेसिकली आप लिख रहे हैं, तो एक अट्रैक्टिव सेंटेंस को पिक करते हुए आप खुद लिखें, आप कॉपी पेस्ट का स्ट्रक्चर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इन केस ऑफ रिपोर्ट हम अगर आपका प्रोजेक्ट बैन हो जाता है, ठीक है? तो वो भी आप लोगों के लिए नेगेटिव इफेक्ट करता है, ठीक है जी? फिर उसके बाद पब्लिश कर देना मेरा लास्ट फेज है। लास्ट फेज के अंदर ये कि हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल सारा काम कर लिया, अब मैं उसको अपने उसको पब्लिश का बटन कर दूंगा, वो मेरी गिग मेरे पास वहां पे शो होने लगी मेरी प्रोफाइल में, यानी कि मेरी उसकी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, पब्लिश करने के अंदर ये मैं आपको बता दूं कि अगर मोस्टली ये होता है कि ट्रिक्स भी हमें अप्लाई करनी पड़ती है इसकी, ठीक है? तो पब्लिश कर देंगे हम अपने उसके गिग को और वो पब्लिश होने के बाद हमारे प्रोफाइल में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप अपने गिग को सोशल मीडिया पे मार्केट भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ये डिफरेंट हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर आप अपने गिग्स को प्रमोट कर सकते हो ताकि आपके पास ज्यादा ज्यादा क्लाइंट मिले। फेसबुक के ऊपर जाके आप अपनी गिग को पोस्टर लगा देते हो, ठीक है? कुछ भी इस तरह से भी प्रमोट कर सकते हो ताकि आपके गिग से लोग अट्रैक्ट होकर आपके पास शरीर आपके अकाउंट को आपको मे बी वहां से भी आपको अर्निंग मिल जाए। तो ये बेसिकली मैंने उसका आप लोगों से भी शो किया, ठीक है? फिर आपकी गिग्स की बेस के ऊपर आपको बायर सर्च करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रैक जाके करता हूँ तो वो सारी चीजें। फिर ये ऊपर अगले टॉप पे देखें सेव एंड प्रीव्यू, जैसे सेव करके प्रीव्यू चेक करने के लिए भी हम इसको प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि मेरी गिग किस तरह से मुझे शो हो रही है। एक्टिवेट करना, ठीक है? आप लोगों के पास वो जो स्टार्टिंग लिस्ट थी गिग्स वाली, क्रिएट गिग वाली, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो आपके पास यहाँ पे सारी चीजें अब शो हो रही होती हैं, आपके एक्टिव गिग्स, एक्टिव गिग्स के अंदर आ जाता है कि आपके इस टाइम गिग वर्किंग में शो हो रही है, यानी कि आपकी प्रोफाइल पे शो हो रही है, ये नहीं हो रही, ठीक है? तो ये एंड पे अगर देखो तो पॉज, ठीक है? तो आपकी गिग्स जो पॉज कर दी जाएंगे वो पॉज में आ जाएंगे, ठीक है? तो उनको फिर आप एक्टिव करेंगे तो फिर वो आपके वहां पे प्रोफाइल में शो होंगे। तो कोशिश करें कि अपनी गिग्स को एक्टिवेट रखें, किसी इशू की वजह से किसी पे प्लेजरिज्म वगैरह आ रहे हो तब भी आपकी गिग्स वगैरह को ब्लॉक कर देते हैं कि जो गिग्स में प्लेजरिज्म आया उसकी वजह से। फॉर एग्जांपल मैंने एक फेसबुक अकाउंट पर है तो मैं उसको जब तक एक्टिवेट नहीं करूंगा तो वो तो शो नहीं होगा ना, तो इसलिए मुझे अपनी एक्टिवेट करनी होगी, यानी कि किसी चीज को एक्टिव करना, वर्किंग गिग बना ली मैं शो नहीं करना चाहता, ठीक है? मैं अपनी उसके प्रोफाइल में लेने नहीं लेके नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए अपनी गिग को शो करें। प्रोफाइल में शो करने के लिए हमें अपनी उसको बेसिकली गिग को एक्टिवेट करना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ वीडियो एक बना के गिग को शो भी कर दूंगा आपके साथ।
मोटिवेशन भी, मैं ये आप लोगों के लिए इसकी स्पेशल वीडियोस भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा आप लोगों की इनरोलमेंट और इन चीजों के टास्क मेरे कंप्लीट होने कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारा डाटा शेयर होगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो आप लोगों के ऑनलाइन सेशंस जो हो रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे एट द एंड, हम लोग क्या करेंगे, यानी कि मैंने केक बना दी, अब उसके ऊपर क्लाइंट अच्छे रिव्यूज डिमांड करता है, आपका अच्छा वर्क देखना चाहता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि उसके ऊपर अपने अच्छे से अच्छे वर्क अपलोड करें, गैलरी जो आपने शो की होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, अपलोड करें उसके अंदर डेटा, आपने किसी क्लाइंट्स का कोई काम करके दिया अगर उसी केक के अबाउट, वो सारी चीजें शो करें। तो इसकी मैंने ट्रिक आप लोगों ने शो भी ये कर दी कि स्टार्टिंग में, क्योंकि हम इसको एडिट भी बाद में कर सकते हैं केक को, तो आप लोग क्या करें इन स्टार्टिंग कोशिश करें कि अपने प्राइसेस कम रखें। तो कुछ ये मैंने ट्रिक्स भी आपको लोगों को मेंशन करने कि कम प्राइसेस में ज्यादा काम करके प्रोवाइड करें, कि कुछ यानी कि फॉर एग्जाम्पल कम्प्लीमेंट्री तौर पे आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर उसमें दे देते हो तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाता है। और फिर उसके अगर SEO जो है बेसिकली उसके किसी अगर आप लोग फ्रेंड SEO वगैरह कर लेता तो ये भी उसके जरिए भी आप अपने गिग को प्रमोट करवा सकते हो। जी यहां तक कि अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चनिंग है तो आप करना चाहो इन स्लाइड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, चैट पे मैं अवेलेबल हूं आप लोगों के साथ। एक और चीज, आप लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं सारे लोग इकट्ठे स्टार्ट हो जाते हैं, जब एक बंदा क्वेश्चन कर ले मैं उसका आंसर कर दूं, देन दूसरा बंदा क्वेश्चन करे, इस तरह अगर क्वेश्चन मेरे सामने रहेंगे अदरवाइज वो क्वेश्चन करते हैं अप डाउन चले जाते हैं, फिर आप लोगों को बेटा मैंने कुछ लोगों से ये इशू सुना है, कई लोग कहते हैं एक ही पीसी से नहीं करना चाहिए, रीजन ये है कि ये आपके ना सिस्टम का एक एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस बोला जाता है, ठीक है। जब आप कोई वेबसाइट या कोई चीज असेस करते हो तो अक्सर वेबसाइट फ्रीलांसिंग वेबसाइट वालों ने क्या किया हुआ इस चीज को ब्लॉक किया हुआ कि एक ही बंदे के मल्टीपल अकाउंट्स ना हो, तो इसलिए भी एक ये कह लो कि मेन है वो। इसी तरह आपको आज जो हमारा एग्जाम ने किया था छोटा सेशन उसके अंदर भी यही बात हुई, ये सस्पेंड होने के ये रीजन में आ जाता है ना कि आप फाइबर वगैरह ही आपके चेक कर लेती हैं डिवाइस की एक ही डिवाइस है तो फिर उसके ऊपर एक्शन लेती है। ये बेसिकली आप अली ज़हरा मसूद का और उमेर बीबा का सेम क्वेश्चन है। ये आप लोगों के अकाउंट सस्पेंड भी हो जाते हैं इन केस ऑफ अगर आप लोगों की वो लोगों ने चेक कर दिया, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करेंगे आप लोग सेपरेट डिवाइसेज, उनकी पॉलिसी आप लोगों को मैंने कहा रीड किया करें, उसकी पॉलिसी में हर चीज मेंशन होती है कि आप एक ईमेल पे यूज कर सकते हो या एक सिस्टम पे यूज कर सकते हो, तो हमें उन पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। आई थिंक सो अगर काम के हिसाब से भी देखना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये ना होना कि लोग कर रहे हैं वो काम $100 में तुमको मैं $5 में करूं, तो उसके काम के लिहाज से जज करना चाहिए हमें, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसके प्राइसिंग को भी मैनेज करने के लिए हर चीज को देखना है कि वो काम मार्केट में लोग कितने का कर रहे हैं और आप कितने का करते हो, दो चार लोगों की प्रोफाइल देख के, बट ये नहीं आपने देखना कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोगों की देखें, आप मिडल लोगों की देखना, ठीक है, जिनके पास रेटिंग नॉर्मल हो वो कितने प्राइस चार्ज कर रहे हैं। आपको मैंने भी दिखाया था कुछ केक्स के अंदर $5 में डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो लाजमी नहीं होता कितने डॉलर्स चार्ज हो रहे हैं। बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ गिग्स क्या है हमारे मेन्यू कार्ड्स के अंदर, जैसे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हमारे मेन्यू आ रहा है ना कि मैं ये चार्ज इतने काम करके देता हूँ या ये वाला काम इतने में इतने दिन में, ये वाला काम इतने यही काम मैं थोड़े ज्यादा पैसे लेके जल्दी टाइम में, यानी कि आप ऑफर्स दे दो। बेटा काम तो $5 में भी लोग कर रहे हैं, ठीक है,
वो वर्किंग के अकॉर्डिंगली है, आप अपने टास्क के जिस टास्क की गिग बना रहे हो उसके हिसाब से आप प्राइस मिले। हाँ, आप लोग प्रोजेक्ट्स लें, ठीक है, किसी भी ग्राफिक डिजाइनर को आप हायर कर लें, अटैच कर लें, अपने साथ ज्वाइन कर लें और उसके साथ आप उसको प्रोजेक्ट उससे करवाते रहें और इम्प्लीमेंट करते रहें। जी ये तो हमें करना पड़ेगा ना, ये एक ही भाई, ये मैं आंसर कर रहा हूँ मोहम्मद फैसल का, क्या आप एक ही अकाउंट मोबाइल पे और का? हाँ ये तो हमें करना पड़ेगा, रीजन ये है कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, तो मुझे जल्दी से अगर आप लोगों को सारे क्लियर हो गए तो फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा तो देख लेना आप लोगों के हैंड रेज होना स्टार्ट हो जाएंगे और कई लोग तो मीटिंग ही लेफ्ट कर देते हैं। लोग कोशिश करें कि अपनी क्लास सॉरी क्लास को रेगुलरली ज्वाइन करें और हमारे कंटेंट्स ये टाइम बाय टाइम आपको पिछले भी गाइडेंस देते रहेंगे। आगे हम फ्रीलांसिंग से आगे ऑनवर्ड अब फाइवर के टॉपिक पे आ गए, ये बेसिकली फ्रीलांसिंग का ही सब पॉइंट है। मैंने ऑलरेडी एक बात की थी कि आप मल्टीपल स्किल्स अगर आपके पास है तो मल्टीपल गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से उसका पैकेज डिसाइड करेंगे कि मैं कितने में करूंगी, किस तरीके से करूंगी, ठीक है। ज़ारा ले हुआ आपके पास मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? कहने बताएं मुझे।